हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। अब आप हमारी सभी वीडियोस गुरुकुल हब के साथ साथ अन एकेडमी पर भी देख सकते हैं। वहां पर ऑल टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, CTET हो या फिर UPTET। उसके लिए आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी कोर्सेज और सभी वीडियोज आप देख सकें। सो गाइस, GK क्रैश कोर्स का ये थर्ड पार्ट है। यहाँ भी मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप RPF एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर SSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC CGL, CHSL, CPO, MTS या फिर SSC GD एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाकर चलते हैं और ये 10 क्वेश्चन हमारे 20-25 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका सही आंसर है सी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडरों के रूप में ही अवशेष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि हम्पी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमने जाना तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, मध्यकालीन हिंदू राज्य, ठीक है। अगर प्राचीन भारत को पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं और विजयनगर साम्राज्य की ही राजधानी हम्पी शहर हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। क्लियर गाइस, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में अलमाटी बांध स्थित है। अलमाटी बांध की बात की जा रही है, किस राज्य में है अलमाटी बांध, और ये है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है, पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। मैसूर साम्राज्य की बात की जाए, मैसूर राज्य की बात की जाए तो वही मैसूर राज्य हैदर अली, लॉर्ड क्लाइव, टीपू सुल्तान हैदर अली का साम्राज्य, और लॉर्ड क्लाइव के साथ उनके 4 युद्ध हुए थे। प्रथम मैगल आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। तो उसी मैसूर राज्य को कर्नाटक कहा जाता है और कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी महिला पहली साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, तो वो है सी ऑप्शन है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम पहली महिला जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया। अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक है, तो पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखक हैं उनमें से एक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्लियर। और आगे बात करें तो अमृता प्रीतम पंजाब भारत के गुजरावाला जिले में पैदा हुई हैं, गुजरावाला जिले की रहने वाली हैं, और अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन बनकर आए यहाँ पर कि पहली महिला साहित्य अकादमी पुरस्कार से जिन्हें नवाजा गया, अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं और अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री भी माना जाता है। क्लियर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बने 3 क्वेश्चन यहाँ पर। आगे चलते हैं, इनमें से किसके लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है और वो है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार भारत सरकार की एक योजना है, एक परियोजना है जो चलाई जा रही है। क्लियर, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को माना जाता है, क्या माना जाता है, संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। संघीय स्वरूप मतलब राज्यों का एक संघ है भारत, ठीक है, और भारतीय संविधान में यही उल्लेख किया गया है कि इसका संघीय स्वरूप और एकात्मक भाव युक्त कहा गया है, यही माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को आप पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आप या तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है आपको वहां से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, या फिर गुरुकुल हब चैनल सर्च कीजिए, ठीक है, टेलीग्राम में सर्च बार में, तो वहां पर भी आपको हमारा गुरुकुल हब चैनल नाम से एक ग्रुप मिल जाएगा,
उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर हम सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में वीडियो आती है जनरल साइंस की, उसकी भी पीडीएफ वहीं पर मिलती है, और ये सभी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे। साथ ही जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जो भी न्यू कोर्स होता है, ठीक है, अनअकैडमी पर जो मेरे कोर्स आते हैं वो भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, और कोई नई अहम जानकारी आपको उपलब्ध करानी होती है तो वो भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं उसी टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लीजिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक एंजाइम है, तो इनमें से जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोगॉन एंजाइम नहीं होता, इंसुलिन भी नहीं होता, सेमेट्रोपिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है। आगे है, इनमें से कौन सा वाक्य एनोरॉयड बैरोमीटर के बारे में सही नहीं है। एनोरॉयड बैरोमीटर की बात की जा रही है तो यह वजन में भारी होता है, ये बात गलत है, ठीक है, तो यही सही नहीं है, ठीक है, आंसर हमारा यही होगा क्योंकि ये सही नहीं है। बाकी इसमें द्रव नहीं रहता, सही बात है, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये भी सही बात है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो सही आंसर तो यही है कि यह वजन में भारी होता है, एनोरॉयड बैरोमीटर, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इनमें से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है। बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है तो उसको बोलते हैं विसरण, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न वितरण, विसरण बोला जाता है जिसका बैंकिंग और वित्त के साथ संबंध नहीं होता है। विसरण दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण या डिफ्यूज़न कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण जो बनता है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, केमिकल, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इसका बैंकिंग और वित्त से कोई संबंध नहीं बनता है, क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां नवीनतम सदस्य बनने वाला देश कौन सा है, तो वो है दक्षिण सूडान गणराज्य, ठीक है, दक्षिण सूडान गणराज्य, साउथ सूडान रिपब्लिक, 193वां जो सदस्य बना संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का, दक्षिण सूडान, या इसको कहला जाता है जनूब उस सूडान, क्या बोला जाता है, जनूब उस सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थलरुद्ध देश है। अब स्थलरुद्ध देश उनको बोला जाता है जो समुद्री सीमा कहीं से भी नहीं लगी रहती, ठीक है, जो चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ रहता है तो उसको स्थलरुद्ध देश बोला जाता है। दक्षिण सूडान को 9 जुलाई 2011 को जनमत संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता मिली थी, 9 जुलाई 2011 को, और दक्षिण सूडान गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां नवीनतम सदस्य बना है, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस देश को, किस ट्रेन को विश्व विरासत घोषित किया गया है, तो कौन सी ट्रेन है, वो है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, विश्व विरासत ट्रेन की सूची में शामिल किया गया है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को। बाकी थार एक्सप्रेस इसमें नहीं है, शताब्दी एक्सप्रेस इसमें नहीं आती है, राजधानी एक्सप्रेस नहीं आती है, सही आंसर है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। तो गाइज यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। बाकी 1 मिलियन क्वेश्चन में 40-40 क्वेश्चन कराकर चल रहा हूँ, बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन कराकर चल रहा हूँ, मॉर्निंग वाली वीडियो जो आती है, और ये इवनिंग में यहाँ पर 10 क्वेश्चन का भी 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और जल्द ही यहाँ पर मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, करंट अफेयर ग्रुप डी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछी जाएगी, ठीक है, 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन पूछे जाने हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी ही करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा, और बहुत ही बेनिफिशियल करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा, मल्टीपल चॉइस के रूप में लेकर आऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है गाइस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कोर्स के साथ हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उनसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके चलिए, ठीक है। तो जितना भी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टडी मटेरियल, देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो सफिशियंट है, ठीक है, वो सफिशियंट नहीं कह सकते क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, और वो भी जनरल साइंस जनरल नॉलेज की बात की जाए तो ये नहीं कह सकते कि केवल इस वीडियो पर डिपेंड रहें तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी क्योंकि
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको नहीं माइंड में रहती, लेकिन जो हम वीडियोज़ के जरिए आपको प्रोवाइड कराते हैं तो वो आपके माइंड में रह जाती है। और अगर यहाँ से आपको किसी भी पेपर में क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, साइंस की जो वीडियो आ रही है वो अपने आप में सफिशियंट है, क्योंकि वहाँ पर मैं 1100-1100 क्वेश्चन आपको साइंस के कराने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद यही है कि क्वेश्चन जो मिलेगा साइंस का आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आपको यही सब क्वेश्चंस कराने थे और यही सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस कराने थे, और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे इस क्रैश कोर्स के रूप में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।